तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र आहिर साहब, और इनसे हम चल के जानेंगे कि किन किन मुश्किलात का मीडिया को सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मीडिया को हमेशा से मुश्किलात का सामना है, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा कि मीडिया को मुश्किलात का सामना ना हो, और मीडिया ने हमेशा सर्वाइव किया है और मीडिया अब भी करेगा। अब हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है, जब उसके हम गीत गाते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं, और जब उसकी बतरगीत करते हैं तो बहुत बुरे हो जाते हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है, जब इसके धरने को हम खाली कुर्सियाँ भी दिखाते थे भर भर के, तो तब बहुत अच्छे थे, अब तरकीद करें तो बुरे लग रहे हैं। तो इस तरह की सेंसरशिप, जैसे मुशरफ दौर में मुशरफ साहब खुद लेके आए थे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, फिर उन्होंने खुद इसको बुरा लगना शुरू हो गया कि तनकीद जो है ना वो हो रही है मेरे ऊपर। तो मीडिया के लिए हमेशा से सच बोलना चैलेंज रहा है, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, लेकिन मीडिया के लोग सच बोलते रहेंगे, उस चैलेंज का मुकाबला करते रहेंगे। जिस दिन मीडिया सच से हट गया, उस दिन मीडिया डूब जाएगा, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि मीडिया सच पे कायम रहे। क्या पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत आपके नज़रिए के मुताबिक है या अभी इतनी ख़ास तौर पर नहीं है? भी सही और नहीं भी सही। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ को नहीं बोलने दिया रहा, नहीं दिया जा रहा, लेकिन लोग बोल रहे हैं, और पाबंदियाँ हैं, और उसका लोगों ने इसके पे भी किया है, लोग घरों में बैठ गए हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लेकिन सच बोलने वाले सच बोल रहे हैं।